हेलो बच्चों, बोर्डाबा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। CUET 2023 को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न आप लोग के बीच में, अप्लाई नहीं कर पाए, एडिट अब कैसे होगा, जो लोग अप्लाई कर दिए उनको एडिट को लेकर प्रॉब्लम है, और किनको किनको एडिट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अप्लाई नहीं किए तो क्या अपडेट है, मैं आप लोग को सारा अपडेट दूंगा, और CUET 2023 के लिए क्या क्या करना है आगे वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है। तो सभी लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बता दूं कि रांची यूनिवर्सिटी हो, VBU हजारीबाग हो, या फिर BBM के धनबाद में एडमिशन लेने चाहते हैं, SQM देवघर में, या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा जो भी आप स्टेट के हैं, अपने स्टेट के, अपने यूनिवर्सिटी के अपने अपने हिसाब हैं। सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सबके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करना था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उन्होंने, जो भी ऑनर्स आपका मतलब कि टारगेट किए हो, तो सबका एलिजिबिलिटी अलग अलग था। तो जो भी एलिजिबिलिटी में आ रहा था वो सारे सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने थे। तो बहुत सारे बच्चे एडिट में गलती किए हैं, सब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशन जो चुने हैं, सब्जेक्ट का जो पेपर चुने कि कौन कौन सा पेपर उनको एग्जाम में देना है, वो गलत चुने हैं। अभी सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा, ये वीडियो आप लोग को पूरा देखना कंपलसरी है, और इसके साथ ही मैं सजेस्ट कर दूंगा कि एक वीडियो वो भी आप लोग को देखना जरूरी है। तो पेपर कैसे सेलेक्ट करना वो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए आपको पहले वो प्रॉब्लम दिखाता हूं कि कितने सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए हैं। देखिए बच्चों, आगे अपडेट क्या है वो आप लोग ध्यान से देखना, गौर करना आप लोग, है ना, कि छात्रों को वेबसाइट पर विजिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। ये अपडेट था, कल रात का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ कि कल क्या हुआ। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको फीस भी जमा करना था, जो भी आप जितना सब्जेक्ट का देना चाहते हैं। CUET का आज आखिरी दिन था कल, ठीक है, और वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना था। मई में आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस का जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, एंट्रेंस प्रिपरेशन जो भी करना चाहते हैं, एक चैनल है नवाभा, आप लोग, हमारा ही चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। झारखंड के जितने भी बच्चे हो, नवाभा, या फिर कोई भी बोर्ड के हो या कोई भी स्टेट के हो, नवाभा NAVAABH, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वहाँ पर CUET पर रेगुलर वीडियो वहाँ पर अपलोड किया जाएगा, रेगुलर, ठीक है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, CUET UG के लिए अप्लाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है, है ना, कि आप लोग को एंट्रेंस टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बंद कर देगा। तो बंद हो भी गया है, जिन छात्रों ने अब तक नहीं भरा है वो ऑफिशियल साइट पर विजिट करके भर सकते थे। कितना बजे तक टाइम दिया गया था? 9:30 बजे तक, ठीक है, और 12 मार्च से बढ़ाकर 30 मार्च तक किया गया था, ताकि सभी लोग अप्लाई कर ले। तो जो लोग भी अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए क्या अपडेट है अभी, वो तो शायद बहुत परेशान है, और अभी तक यूनिवर्सिटी ने आपको कोई अपडेट नहीं दिया है। अभी फिलहाल क्या अपडेट आया, चलिए वो दिखा देते हैं। तो देखिए, ये अपडेट आया हुआ था 30 तारीख को, कल का न्यूज़पेपर है, कि स्नातक में नामांकन CUET के जरिए होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरने में छात्रों को हुई परेशानी। और देखिए क्या परेशानी हुई, ये हजारीबाग तरफ से ये न्यूज़ आया था, चलिए देख लेते हैं। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, जुलाई में स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन में मिले अंक के आधार पर नहीं होगा। तो जो अंक आपको मिले उसके आधार पर नहीं होगा एडमिशन, नामांकन आपका CUET में स्कोर के आधार पर होगा। तो CUET का एग्जाम देना कंपलसरी है। CBSE के 12वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा समाप्त हो चुकी है, स्टेट वालों का परीक्षा चल रहा है। CUET विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा है, उक्त प्रवेश परीक्षा राज्य में पहली बार आयोजित की जा रही है। पहली बार प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना है 31 मार्च, ये गलत लिखा है, 30 मार्च तक डेट था ना, ये गलत लिखा हुआ है कि 31 मार्च आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 12वीं के विद्यार्थी ऑफलाइन आवेदन करने के लिए साइबर कैफे का सहारा ले रहे हैं। साइबर कैफे संचालक परीक्षा आयोजन की निर्धारित शुल्क के अलावा 100 रुपये अलग से ले रहे हैं भरने के लिए। जो विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए साइबर कैफे संचालक के ऊपर निर्भर हो गए हैं, वैसे विद्यार्थी NTA से आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा में कैसे शामिल होंगे? स्टेट बोर्ड के ग्रामीण क्षेत्र के आधे से अधिक विद्यार्थियों ने कंप्यूटर का माउस तक नहीं पकड़ा है, समझ में आ रहा है? ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में शामिल होकर इसको हासिल करना जंग जीतने से कम नहीं है। तो बहुत बच्चे यहाँ पर फंस गए हैं। आप लोग को और सारा अपडेट दे रहा हूँ कि स्कूलों ने नहीं किया जागरूक, राज्य में पहली बार जो आयोजित की जा रही प्रवेश परीक्षा, प्लस टू विद्यार्थियों को काउंसलिंग करनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं है, होनी चाहिए, यहां पर लिख रहा है। स्कूल करियर चयन के लिए अपने यहां पे करियर काउंसलिंग जरूर आयोजित करते हैं। अभी तक हजारीबाग जिले में किसी भी स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया गया है, ठीक है। जिन महाविद्यालयों में प्लस टू की पढ़ाई होती है वैसे कॉलेजों में भी इस बाबत कोई कार्यशाला या काउंसलिंग सेशन आयोजित नहीं किया गया। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं हुआ है। परीक्षा के पैटर्न और उसकी तैयारी की जानकारी के विद्यार्थियों के पास एकमात्र विकल्प YouTube पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा जारी वीडियो है।
तो आप लोग को भी मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब भी आप लोग का जरिया है, तो आप लोग को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नव आभा जो हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को तैयारी करवाया जाएगा और अपडेट भी दिया जाएगा। चैनल आप लोग देख लीजिए सर्च करके नव आभा NAVAABH और इसको सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर CUT का प्रिपरेशन भी करवाऊंगा और अपडेट भी आप लोग को समय समय पर देते रहूँगा। तो देखिए अभी तक मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लोग अप्लाई नहीं किए, अभी सभी लोग देखिएगा जो एडिट करना है उनको भी बताऊँगा, सभी लोग वीडियो ध्यान से देखिए, जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं उस बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं किए हैं, तो देखिए क्या अपडेट आता है आप लोग के लिए, अपडेट कुछ ना कुछ जरूर आएगा। हो सकता है कुछ और भी आप लोग के लिए उपाय लगाया जाए, इतने बच्चे ऐसा नहीं होगा कि एडमिशन आप लोग का नहीं होगा। आप लोग को मैंने बार बार बोला था कि अप्लाई कर लीजिए, फिर भी गलती अगर हुआ है तो देखते हैं क्या अपडेट आप लोग के लिए आगे आता है। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा आप लोग को बताया जाएगा, डरे नहीं, चैनल से सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग को मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी बता देता हूँ, जाके फॉलो कर लीजिए, ताकि अगर कुछ बाबत प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग को ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी नव आभा NAVAABH, इंस्टाग्राम आईडी है नव आभा NAVAABH, इसे सर्च करके देखिएगा इंस्टाग्राम में और फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी अपडेट मिलता है नव आभा। ठीक है, अब एडिट किनको किनको करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे इस बच्चे ने अप्लाई किया है और इसका क्या गलती मैं बता रहा हूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर में इन्होंने अप्लाई किया किस प्रोग्राम के लिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए और देखते हैं, और साथ ही साथ सोशल साइंस हिस्ट्री से। ठीक है, तो तीन सब्जेक्ट इनको चाहिए, कोई भी हिस्ट्री चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स चाहिए या फिर इनको पॉलिटिकल साइंस चाहिए। और इन्होंने देखिए सब्जेक्ट्स क्या क्या चुने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्या इन्होंने गलती किया है। ऐसे कोई भी बहुत सारे आप लोग का भी गलती हो सकता है, आप लोगों को बता देता हूँ कि एडिट में आप लोग को क्या क्या करना है, ऐसे गलती होंगे तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा, एडिट जरूर कर लेना। ठीक है, तो देखिए इसी बच्चे ने क्या क्या चयन किया, सब्जेक्ट वन के रूप में हिंदी सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये, और होम साइंस इन्होंने लिया है, मीडियम हिंदी और जनरल साइंस, तीन पेपर सेलेक्ट किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से, इन्होंने इको भी सेलेक्ट नहीं किया, हिस्ट्री भी सेलेक्ट नहीं किया और पॉलिटिकल साइंस भी इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, तो तीनों इन्होंने सेलेक्ट नहीं किया है, तो इनको लेने में दिक्कत होगा, एडमिशन लेने में दिक्कत हो सकता है। तो इनको ये होम साइंस हटाना पड़ेगा और होम साइंस के जगह में इको डालना पड़ेगा या फिर पॉलिटिकल साइंस डालना पड़ेगा या फिर हिस्ट्री। अगर ये तीनों में से अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5-6 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, हिंदी भी देना पड़ेगा। हम तो इनको ये भी बोलेंगे कि हिंदी भी दे दें, इंग्लिश भी दे दें, ये लैंग्वेज पेपर में एक जनरल टेस्ट का पेपर दे दें, तीन पेपर हो गया, और फिर इको का पेपर दे दें, और फिर अगर इनको मन है कि नहीं पॉलिटिकल साइंस लेना है तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर दे दें, कुल 5 पेपर। अगर हिस्ट्री भी देना चाहते हैं तो हिस्ट्री का 6 पेपर हो जाएगा। तो इस तरह से इनको पेपर देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इन्होंने गलत फिल किया। ऐसे भी आप लोग को फिल करना है, और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VBU का सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज चाहिए, एक लैंग्वेज जो भी आपको हिंदी या इंग्लिश चाहिए, आपका जो पेपर डोमेन पेपर है, डोमेन पेपर जिसको लेकर ऑनर्स लेकर आगे बढ़ना है, वो पेपर आपको एक डालना है, बस एक ही पेपर डालना है। तो जैसे इनको इकोनॉमिक्स डालना रहता तो सिर्फ इकोनॉमिक्स डालते VBU में, लेकिन रांची यूनिवर्सिटी में अगर डालते तो रांची यूनिवर्सिटी में इको के साथ साथ डोमेन पेपर में दो पेपर चुनना है, इको के साथ साथ हो सकता है इनको पॉलिटिकल साइंस लेना पड़ता, हिस्ट्री लेना पड़ता, कोई भी एक पेपर और इनके साथ डालना पड़ेगा, दो पेपर वहाँ डालना था, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी के लिए, और एक जनरल टेस्ट का पेपर देना रहता है। इसलिए मैं सेफ्टी के लिए बार बार बोल रहा हूँ कि हिंदी ले लीजिए और इंग्लिश ले लीजिए लैंग्वेज पेपर में, और डोमेन पेपर में, डोमेन पेपर में आप कम से कम दो सब्जेक्ट रख लीजिए, जैसे कि अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स लेना है तो हिस्ट्री के साथ साथ अगर पसंद है तो जो भी सब्जेक्ट पसंद है, जैसे हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस पसंद है, पॉलिटिकल रखिए, और साथ में एक पेपर आप लोग नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा जनरल टेस्ट का पेपर। इससे क्या फायदा होगा ना कि हिस्ट्री ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोई भी ऑनर्स आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और साथ ही लैंग्वेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कम से कम मैं 5-6 सब्जेक्ट आप लोग को बोल रहा हूँ कि सेलेक्ट कर लीजिए, जिनको जिनको अगर लगता है कि स्ट्रीम चेंज करना है, स्ट्रीम चेंज करने वाले क्या करें, हिंदी इंग्लिश एक दो पेपर यहाँ पे चुन लें, उसके बाद देखिए डोमेन पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, डोमेन पेपर में आप लोग अपना साइंस का भी डाल सकते हैं, फिजिक्स भी डाल दिए जैसे कि लेना है, अगर हमको मन है कि नहीं हमको इंग्लिश ऑनर्स भी लेना है तो इंग्लिश भी डाल देंगे, और साथ में अगर हमको इको चाहिए तो इको ऑनर्स भी डाल देंगे, और साथ में यहाँ पे जनरल टेस्ट का पेपर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन याद रखिए एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इको ऑनर्स लेना चाहते हैं तो इको के साथ एक और सब्जेक्ट आपको देना पड़ जाएगा, जो कि हिस्ट्री या फिजिक्स भी दे सकते हो, ये आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेना जाके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला वीडियो कहाँ पर मिलेगा सर आप लोग पूछोगे, तो वो मैं बता दे रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, वो वीडियो आप लोग को देख लेना है, और साथ ही एक प्लेलिस्ट भी बनाया था कि कैसे कैसे आप लोग को देखना है, तो वो वीडियो जरूर देख ले कि एडिट कर करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, कौन से पेपर में कौन से यूनिवर्सिटी के लिए किस तरह से पेपर चुनना है, वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वो वीडियो में बताया, जरूर से एडिट कर लेना, नहीं तो फंस जाओगे, फंस जाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डोमेन पेपर ध्यान से करना, इंस्टाग्राम आईडी फिर से मैं बता दे रहा हूँ नवाभा NAVAABH,
ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी, आप चाहो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, है ना। तो सभी अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो इस तरह से पेपर जरूर चुन लेना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। और सारे जो भी और भी एरर हैं, आपको जो गलती की है, आपने मिस्टेक्स किए हैं, वो सारे आप लोग वहाँ पे सुधार जरूर लेना। तो ये मुझे बहुत ही ज़रूरी अपडेट देना था जिनको एडिट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही से चुने, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट अपडेट था। और भी किसी तरह के अपडेट जैसा आता है सीयूटी का, यहाँ पर दिया जाएगा। चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए कोई और वीडियो आता है तो। और जो भी बच्चे अप्लाई नहीं किए, जो भी अपडेट आता है मैं आप लोग को जरूर यहाँ पे अपडेट दूंगा। धन्यवाद बच्चों।